हेलो व्यूवर, वेलकम टू बैक माय चैनल जेबी मिंटोर। और मैं हूं आपका दोस्त अफजाल। और जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो पंजाब पुलिस के रिटर्न पेपर के मुतलका है, यानी कि फ़ेज़ टू के मुतलका। तकरीबन कोई भी दोस्त अब इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जितनी भी वीडियो बनाई है जो भी हम कह रहे हैं बिल्कुल उसके उल्ट हो रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो नहीं सही होती, ठीक है। लेकिन इस मरतबा एक दोस्त ने, अभी मैं आपको वो ख़बर दिखाता हूँ जो न्यूज़ पर आई है, लोगों ने इसका गलत मतलब लेना शुरू कर दिया है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि क्या पेपर कैंसिल होने के कोई चांसेस हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, अब तो ये भी नहीं कहना चाहिए यार। चलो हम वीडियो को आप शुरू करते हैं। ये एक चैनल है, उस पर जो ये तहरीरी इम्तहान के मुतलका जो बातें चल रही हैं, इससे लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि ये पेपर कैंसिल हो जाएगा। अफसरान 10 माह गुजारने के बावजूद भी उम्मीदवार उनका तहरीरी इम्तिहान ना ले सके। ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि 10 माह गुजरने से पहले आपको भी पता है कि कितना काम हुआ है एजेंसियों के मतलब। अब इतना महकमे ने, डिपार्टमेंट ने, अफसरान ने इतना काम कर दिया है कि आपका पेपर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया है। अब जो आपका पेपर है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट लेगा, ना कि पंजाब पुलिस। उसके बाद उम्मीदवारान का 2 माह कबल एजुकेशन बोर्ड से तहरीरी टेस्ट करवाने का फ़ैसला किया गया है। बिल्कुल गल सही है, टेस्ट का फैसला किया गया, लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने सीएम से इजाज़त ले ली है, जो है ख़त है उन्हें दे दिया गया, उसकी भी इजाज़त मिल जाएगी, पेपर जो है आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल 5,000 से भी ज़्यादा जो हैं भर्ती होंगे, 2,00,000 से ज़्यादा उम्मीदवार ने, जो इससे भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, 2,00,000 से कहीं ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया पूरे पंजाब से, और हर एक डिपार्टमेंट में पीएचपी एसपीयू तमाम पे आई है। ड्राइवर कांस्टेबल है, कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल है, ठीक है। एजुकेशन बोर्ड उम्मीदवार का मुतलका अजला में तहरीरी इम्तहान लेगा, ये भी न्यूज़ में यही आ रहा है। इसमें ये कोई ऐसी बात नहीं, कैंसिल होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने अपनी तैयारी रखें, और ये जो बातें हम इधर उधर से आप सुन रहे हैं इसको ना, इस पर तवज्जो ही ना दें, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो आपका टेस्ट है बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। आपने अपनी तैयारी रखें। मेरा ख्याल है ये आप कौन सी इसी पोस्ट पर बैठे हैं, आपने FIA में भी अप्लाई किया हुआ है। कई लड़के वैसे जेल पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, FIA का भी आप हो सकता है, लड़के जिन लड़कों ने अच्छी मेहनत की है वो इंटरव्यू में चले जाएं, तो ये भी चल रहा है। इसे कौन सा मसलन दूसरी आप जॉब में अप्लाई किया है, मैं तो कहता हूं अगर FIA में आपका काम बन जाता है, ना आप जेल पुलिस में जाएँ ना पंजाब पुलिस में जाएँ। और लास्ट में उम्मीदवार से तहरीरी इम्तहान की फ़ीस एजुकेशन बोर्ड फीस वसूल करेगा। ये तो सबको पता है कि जब ये इम्तिहान जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ले रहा है तो फ़ीस भी उसने ही लेनी है, ठीक है। तो आप फीस और इसका जो है न्यू पेपर पैटर्न, अभी इन चीज़ों का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अभी कुछ ये जो अपना जो हमारे मुतलका इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि पेपर कंडक्ट करें, फ़ीस जितनी मर्ज़ी ले लें, या जो हिसाब होगा पेपर पैटर्न जो भी आएगा वो आप तमाम के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आज की ये नहीं, आज नहीं कहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।